वेलकम बैक एवरीवन टू द वीकली वेबिनार कम ट्रेनिंग सेशन होस्टेड बाय राजलक्ष्मी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ऑन बिहाफ ऑफ राजलक्ष्मी टीम, आई अनघा एक्सटेंडेड अ वार्म वेलकम टू ऑल द अटेंडीज। सो टुडे वील एक्सप्लोर द न्यू टैली प्राइम फीचर, दैट इज डैशबोर्ड। सो बिफोर मूविंग अहेड टू अवर मेन टॉपिक, लेट्स इंट्रोड्यूस राजलक्ष्मी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। We are specialized in the various aspects of the software, that is sales, services, solutions, implementations and developments. Our main primary focus includes Tally Prime, SAP Business One, Bitrix 24 and Skill India. As the company, we are dedicated to provide the comprehensive software solutions in every across these platforms. So now the speakers are ready for the session. So, Tejashree will conduct the presentation. So, Tejashree, are you available? Yes, ma'am. Okay. And Aniket will provide a live demonstration. So, Aniket, are you there? Yes, ma'am. Okay. So, I request both of you to start the session. Okay, ma'am. My screen is visible? Yeah, it's visible. Okay. Thank you, ma'am. Hello, everyone. Myself, Tejashree. I'm here to present live webinar on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Here is our Rajlakshmi family. Welcomes to all of you. So let's begin with the webinar, that is dashboard feature in Tally Prime 4.0. Dashboard in Tally Prime 4.0. Dashboard in Tally Prime refers to all your important business information on a single interface, which enables better data analysis and insights. It keeps data from more than 350 reports in Tally Prime and acts as a monitoring tool that provides you with a bird's eye view of your business health. The default dashboard in Tally Prime provides you with the tiles that impart an overview of your sales and purchase trends, along with the trading details, assets and liabilities, cash in and outflow, and others. You have also the flexibility to add or remove the tiles from the dashboard. Furthermore, you can view the dashboard with the tiles placed both horizontally and vertically. Release 4.0 में आपको Tally Prime में डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशन को एक सिंगल स्क्रीन में शो करता है। डैशबोर्ड मोर देन 350 रिपोर्ट्स आपको एक बर्ड आई व्यू में शो करता है, जिससे आपको कोई भी रिपोर्ट देखने में आसानी हो और समझने भी आसानी हो सके। डिफॉल्ट डैशबोर्ड में आपको सेल्स एंड परचेस ट्रेंड्स के साथ में ट्रेडिंग डिटेल्स, असेट्स एंड लाइबिलिटीज, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ये रिपोर्ट्स टाइल्स व्यू में दिखेंगे। आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइल्स को ऐड या फिर रिमूव भी कर सकते हो, या फिर हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली उसको अलाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज डैशबोर्ड इन Tally Prime ओपन्स विद द डिफॉल्ट सेट ऑफ टाइल्स, दैट इज सेल्स ट्रेंड, परचेस ट्रेंड, ट्रेडिंग डिटेल्स, असेट और लाइबिलिटीज, कैश और बैंक अकाउंट्स, कैश इन और आउटफ्लो, रिसीवेबल्स और पेबल्स, टू ग्रुप्स और लेजर्स एंड अकाउंटिंग रेशियोज। दिस टाइल्स प्रोवाइड्स यू विद एन ओवरव्यू ऑफ योर कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। डैशबोर्ड में आपको डिफॉल्ट सेट ऑफ टाइल्स में सेल्स ट्रेंड्स, परचेस ट्रेंड्स, रिसीवेबल पेबल, कैश अकाउंट्स, असेट लाइबिलिटीज, ये सारे रिपोर्ट्स आपको डिफॉल्ट में दिखेंगे, जिससे आपके कंपनीज के फाइनेंशियल ओवरव्यू आपको एक क्लिक में दिखेगा और ये आपको ग्राफिक व्यू में दिखेगा। नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सेस डैशबोर्ड इन Tally Prime। ऑन द स्क्रीन ऑफ गेटवे ऑफ Tally यू कैन क्लियरली सी द डैशबोर्ड ऑप्शंस। तो अगर आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन देखना है तो आप गेटवे ऑफ Tally में आपको क्लियरली डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, इट्स ओवर टू यू अनिकेत फॉर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू। Thank you, Tejashree. That was a nice presentation from your side. So, I will share my screen first. So, my screen is visible, ma'am? Yeah, it's visible. Yes.
Hello everyone, my name is Aniket, presenting from Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, आज हम टैली में देखने वाले जो टैली प्राइम रिलीज 4.0 में न्यू अब फीचर आया है डैशबोर्ड का फीचर, ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर 4.0 में टैली प्राइम 4.0 में आया है, जिसकी मदद से हम एज अ डिसीजन मेकर या फिर एज अ कंपनी ओनर हम डैशबोर्ड को देख के हमें हेल्प मिल जाएंगी कि हमें आगे कंपनी में क्या और भी अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, और ओवरऑल हमारे कंपनी का अभी जो बिजनेस चल रहा है, सेल परचेस, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है, वो सब हम एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें कौन से पार्टी से कितना पैसा लेना है, कितना पैसा पार्टी को देना है, तो वो सब हम चीज़ें एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे कंपनी लॉग इन करते हैं, यहाँ पे एक नया ऑप्शन हमें देखने को मिलता है डैशबोर्ड का, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के नीचे, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डैशबोर्ड में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल, सेल ट्रेंड, परचेस ट्रेंड, कैश फ्लो, रिसीवेबल पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग एंड कैश अकाउंट बैंक अकाउंट का, यहाँ पे ओवरऑल जितने भी टैली पे रिपोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, एज अ ओनर आप इनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कंपनी का सेल परचेस रिसीवेबल पेएबल का एसेट लाइबिलिटीज कितना अभी है, कंपनी का स्टेटस यहाँ पे जान सकते हैं, जिसके मदद से आगे हम डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है यहाँ पे जो रिपोर्ट्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखती है, इसको हम टाइल्स यहाँ पे डैशबोर्ड में कहते हैं। जैसे सेल्स ट्रेंड्स वाला जो यहाँ पे स्क्रीन हमें शो हो रहा है ग्राफ में, ये एक टाइल्स है, ये सेकंड टाइल है यहाँ पे परचेस ट्रेंड की, तो इसको डैशबोर्ड हम टाइल्स कहते हैं टैली प्राइम में, जिसके मदद से हमें यहाँ पे रिपोर्ट देखने को मिलती है ग्राफ में, और अगर हम चाहें तो ये रिपोर्ट इसको मॉडिफाई करके इसको इसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं। इस टाइल में से जो जो भी टाइल हमें इम्पोर्टेंट लगती है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, और जो भी हमें टाइल हमें इम्पोर्टेंट नहीं है तो यहाँ से उस टाइल को हम रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं टॉप ग्रुप्स एंड लेजर में आ गया हूँ इस टाइल्स के अंदर, या इसको सेलेक्ट कर लिया है, और अगर इस टाइल्स का हमें कुछ इम्पोर्टेंट इस डैशबोर्ड में नहीं है तो इस पर्टिकुलर टाइप टाइल को हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे कर्सर लेके आना है, सेलेक्ट करना है, एंड राइट हैंड साइड में यहाँ पे रिमूव टाइल का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये रिमूव करेंगे तो ये टाइल यहाँ से निकल जाएंगे, एंड अगर हमें कोई इस रिपोर्ट में कोई अदर रिपोर्ट भी ऐड करनी है या फिर अदर टाइल ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड टाइल का भी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे सेल परचेस ऑलरेडी यहाँ पे है, इन्वेंटरी डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे जीएसटी का हम टाइल ऐड कर लेते हैं, जीएसटी पेंडिंग एक्शंस लाइबिलिटीज आईटीसी वाला भी हम यहाँ पे रिपोर्ट ऐड कर सकते हैं, टाइल ऐड कर सकते हैं एक्चुअली, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जीएसटी आर 3B वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जीएसटी आर 3B का यहाँ पे टाइल ऐड हो गया है। जितनी भी टाइल्स यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे जैसे हम इसको एंटर करेंगे, जैसे हम यहाँ पे सेल्स ट्रेंड्स वाला टाइल जो है इसको एंटर करेंगे तो सेल्स का रिपोर्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेल्स का रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। अभी हम परचेस पे आते हैं, परचेस पे एंटर करेंगे तो परचेस का यहाँ पे पूरा रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। ये ग्राफ में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कौन से मंथ में कितना हमारा सेल हुआ है, कौन से मंथ में ज़्यादा मतलब सेल नहीं हुआ है, तो वो हम ये ग्राफ वाइज देख सकते हैं, एंड इस हर एक पर्टिकुलर टाइल्स को हम अपने हिसाब से वहाँ पे कॉन्फिगर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एक्चुअली, तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्फिगर टाइल का ऑप्शन है। जैसे सेल्स ट्रेंड वाला जो टाइल्स है या फिर जो रिपोर्ट है जो डैशबोर्ड में दिख रहा है उसको हमें कॉन्फिगर करना है, उसको व्यू चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्फिगर टाइल्स में हमें जाना है। सेल्स ट्रेंड में हम आएंगे, इसका हम चाहे तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिपोर्ट सबसे पहले जो है मंथली भी देख सकते हैं, ईयरली, क्वार्टरली एंड फोर मंथ का भी, या फिर वीकली और डेली का भी यहाँ पे रिपोर्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सो हम यहाँ पे अपने हिसाब से पीरियड का यहाँ पे पीरियडिकल टाइम पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मंथ का हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है ग्राफ ओनली का, ग्राफ ओनली, डेटा ओनली एंड डेटा एंड ग्राफ। अगर अभी हमें यहाँ पे रिपोर्ट शो हो रहा है वो ओनली ग्राफ का यहाँ पे शो हो रहा है, ग्राफ ओनली का, अगर हम यहाँ पे ओनली डेटा ओनली सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं ओनली हमारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है,
में उसका एक टोटल नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट यहाँ पे कितना सेल हुआ है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है मंथ वाइज। ये पीरियडिकली हमने मंथ वाइज सेट किया है, तो यहाँ पे मंथ वाइज हमें डेटा देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पे कॉन्फिगर करके यहाँ पे डेटा एंड ग्राफ दोनों अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सेव कर देते हैं, तो ये डेटा एंड ग्राफ ये दोनों और दोनों व्यू हम एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ग्राफ में भी यहाँ पे दो ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसके लिए भी ये जो अभी ग्राफ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये लाइन लाइन बार है, लाइन लाइन बार फॉर्मेट में ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ग्राफ टाइप इसको बाहर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से हमें रिपोर्ट देखने को मिल जाता है मंथ वाइज कितना कौन से मंथ में कितना सेल हुआ है और कौन से मंथ में नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो ये हो गया हमें हमारा रिपोर्ट का व्यू फॉर्मेट, हम यहाँ पे डैशबोर्ड में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम हमारा एक खुद का भी डैशबोर्ड हम बना सकते हैं मॉडिफिकेशन करके, हर एक रिपोर्ट हर एक इंडिविजुअल रिपोर्ट में जाके हम उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है एफक्यूएल में, हाँ ये जो हमें ग्राफ दिख रहा है टाइल्स वाइज, ये अभी हॉरिजेंटल यहाँ पे हमें शो हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे शो वर्टिकल डैशबोर्ड करके वर्टिकल वर्टिकल ये डैशबोर्ड भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सेल्स ट्रेंड, परचेस ट्रेंड, कैश फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, ट्रेडिंग डिटेल्स, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल ग्राफ डैशबोर्ड। तो इस तरीके से हम ग्राफ में मॉडिफिकेशन करके हर एक इंडिविजुअल टाइल्स में मॉडिफिकेशन करके हम डैशबोर्ड जैसे हमें चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे हम अगर इस पर्टिकुलर टाइल्स को एक्सपैंड टाइल भी अगर करते हैं, तो ये टाइल्स हमें डिटेल में देखने को मिल जाती है। सो ये हमारा डैशबोर्ड फीचर है, ये एज अ कंपनी ओनर आप इसको देख के अपना कंपनी का एक स्टेटस यहाँ पे जान सकते हैं, और आगे जो भी बेस्ट डिसीजन इस पे हो सकता है हम यहाँ पे इसकी मदद से ले सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। Thank you, Tejasri and Aniket, for your valuable knowledge sharing of the Tally Prime feature. So, this session will be uploaded on the YouTube channel. So be connected to our social media for the latest update. And for any support or any specific requirement, please kindly reach to your key account manager. Thank you for being a part of today's session. Thank you, everyone. So, we'll be looking forward to reconnecting with our next webinar. Thank you and take care. Bye-bye.